की जमीन पर बन रही जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण में पर्यावरण नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए राज्य पर्यावरण इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी भवन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दल शनिवार को पिपलियाहारा तालाब पहुंचा। दल के सदस्यों ने याचिकाकर्ता और कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण करने वाली एजेंसी दोनों का पक्ष सुनने के बाद भौतिक सत्यापन भी किया। 10 के सदस्य जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इंदौर के पिपलियाहाना तालाब के पास जिला न्यायालय के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी अनुमति दे दी गई। अनुमति में पर्यावरण विभाग ने तो अपने नियम तय तो किए ही हैं, एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की भी शर्त रखी गई है। अनुमति में जो शर्तें तय की गई हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए राज्य पर्यावरण इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी भवन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दल शनिवार को इंदौर पहुंचा। पर्यावरण स्वीकृति में सर दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जो कोर्ट निर्माण कर रहा है उसको भी आपको सुनने का। पर्यावरण स्वीकृति में जो भी सर्वे है वो तो आपके सबके पास होगा। मेरी फरवरी 2019 के लिए मिला है जी इसको, और 3 महीने में इनको हमसे एक पालन रिपोर्ट देना होता है जी। वो तो रिपोर्ट देते हम भी फिजिकल ले आते देने के लिए, देखने के लिए आते हैं जी। जो हमारा दिल्ली जो हमारा हेड ऑफिस है इन्होंने भी हमसे रिपोर्ट मांगा है। ये रिपोर्ट आप रख सकते हैं।